गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिन हो गया। एक सपना था, शौक था कहना चाहिए कि मैं एक यूट्यूब में आना था, और जब मैं यूट्यूब में आ गया और बहुत सारी जो वीडियो मैं आप अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग देखेंगे कभी कभी मेरे वॉइस में, मेरे आवाज़ में चेंजेस आता है, कभी कम हो जाता है, कभी दब जाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा यार अब तो मुझे माइक लेना ही पड़ेगा। तो यूट्यूब में मैंने देखा कि कौन सा माइक सबसे बेस्ट रहेगा। बहुत सारा डिसीजन लेने के बाद अंत में मेरे को बोया का माइक ही उचित लगा, बोया MI1। तो इसको मैंने परचेस करना चाहा, और अंत में कल ही मेरा बर्थडे था, तो अपने जन्मदिन में अपने आप को गिफ्ट देने के लिए मैंने बोया का माइक जो है वो परचेस किया है। फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाया, करीबन 699 यानी 700 रुपये का वो माइक पड़ा, और वो माइक जो है वो अभी आ चुका है। चलिए उसको देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, और बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फ्लिपकार्ट से मेरा बोया का माइक जो है वो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ये रहा माइक। अब इसको हम लोग खोलते हैं, ये देखिए इसके अंदर है ऐसा। तो ये देखिए इसके अंदर में कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये है बोया का माइक। बोया आप लोग देख सकते हैं, BY M1 ये लिखा हुआ है, और इसको हमने आज ही परचेस किया है, और अभी कुरियर के माध्यम से आया है। तो इसको देखते हैं हम लोग, मैं अभी खोल के ही देखा हूँ इसको, इतना ही खोला था, उसके बाद सोचा अरे यार वीडियो बना के अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहिए। तो मैं आज पहली बार इस माइक को देख रहा हूँ कैसा है क्या है, तो देखते हैं इसके अंदर में क्या है। सबसे पहले तो ये खुल गया सब सामान, तो ये उस बोया के बारे में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, और ये छोटा सा कार्ड है, इसको रखते हैं अलग। इसके बाद ये पैकेज है, इसमें बोया लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये इसके अंदर में है ये माइक, बहुत ही सुंदर है ये माइक। और कुछ है कि अंदर में, तो हाँ यहाँ पर है ये माइक में लगाने के लिए स्टैंड वगैरह, तो इसको खैर अलग रखते हैं। तो मेन आइटम है दोस्तों ये बोया का माइक, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सुंदर है ये। तो चलिए इसको पहले देखते हैं, चेक करते हैं कैसा है, उसके बाद आपको बताते हैं। तो अभी तो बिना माइक का आवाज़ ऐसा आ रहा है, माइक लगने के बाद मेरा वॉइस कैसे आता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये माइक को आप देख लीजिए। तो ये पहली बार माइक हमने परचेस किया है, तो सबसे पहले इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये कैसे खुलेगा, यहाँ से फाड़ेंगे इसको, ऐसे यहाँ से फाड़ेंगे, उसके बाद ये खुल गया। इसके अंदर ये है, और ये ठीक, एक इसमें बैटरी है, ये माइक का फिल्टर है, आवाज़ जो ऐसे माइक में लगता है, ये माइक ऐसे लगेगा। और तो हमने ये माइक में लगा दिया ये फिल्टर को, इसके बाद ये जो कॉलर में लगाने के लिए है ये, इसको देखते हैं, ये देखिए कुछ ऐसा है ये, तो इसको लगाएंगे यहाँ पर, ये ऐसे फिट हो जाएगा, ये देखिए ये लग गया। अब इसमें हम लोग लगाएंगे सेल, तो देखिए यहाँ पर लगता है कुछ इस तरीके से सेल, ठीक है। इसका बैटरी जो है वो लगाएंगे, कहाँ गया इसका बैटरी, ये रहा, तो इसको अभी हम लोग फटाफट लगा लेते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों ये बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे लिखा है प्लस और माइनस, तो ये बैटरी जो है इसको यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, और ये लग गया बैटरी, ठीक है। अब इसके ढक्कन को, इसके कवर को यहाँ पर लगा के ऐसे टाइट कर देते हैं, तो ये तो हो गया, हमारा माइक पूरा रेडी हो चुका है, और ये DSLR वगैरह में या कहीं भी लगाने का काम आता है, तो ये ऐसे लग जाता है ये देखिए। तो खैर इसकी ज़रूरत अभी नहीं है हमको, ये अभी हम लोग स्मार्टफोन से ट्राई करेंगे। तो ठीक है, माइक लगाते हैं अपने कॉलर पे और चेक करते हैं इसका वॉइस, और आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये जो माइक है वो लग चुका है, अब इसका आवाज़ की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये माइक जो है ये पहली बार परचेस किया है, और पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसको
लगाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और मैं अपने कई यूट्यूबर दोस्तों से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई ये नॉर्मली कैमरा में कई बार काम नहीं करता, इसको ओपन कैमरा से आप रिकॉर्ड करके देखो। तो मैंने ओपन कैमरा इंस्टॉल किया है, उसके बाद मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब ये माइक कैसा काम कर रहा है, आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।